यूपी में अवैध मदरसों पर चाबुक चलने की तैयारी है क्योंकि ऐसे मदरसों में विदेशों से भी फंडिंग की आशंका है। इस बीच संगम नगरी में 78 अवैध मदरसों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग से संचालित अवैध मदरसों की जांच के लिए योगी सरकार ने SIT टीम का गठन किया है। योगी सरकार ने बीते दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था। जांच में सामने आया था कि संगम नगरी प्रयागराज में 269 मदरसे शहरी और ग्रामीण इलाकों में संचालित हो रहे हैं, लेकिन 78 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है और उनका संचालन अवैध रूप से हो रहा है। इन अवैध रूप से चल रहे मदरसों को विदेशी फंडिंग होने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि सभी मदरसों को नोटिस देकर फॉरेन करेंसी अकाउंट के माध्यम से हो रहे लेन देन की जानकारी मांगी जाएगी, फिर इसके बाद उन मदरसों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें विदेशों से रकम भेजी जा रही है। ये रकम कहां कहां भेजी गई, इस बात की भी जांच होगी। बता दें कि कुछ समय पहले प्रयागराज में फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुछ मदरसों के संचालन का मामला सामने आया था। मदरसों पर आरोप लगा था कि मदरसे अनुदान के नाम पर गड़बड़ी कर रहे थे। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे करीब 4000 मदरसों की जांच SIT से कराने का फैसला किया है। ये ATS ADG मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित की गई SIT टीम करेगी। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को विदेशी फंडिंग होने की पहले भी आशंका जताई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।